नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे कि मौर्यन पीरियड के अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरीके से थे, यानी कि केव पेंट आर्किटेक्चर उनका कैसा था, पोट्री स्कल्पचर्स कैसे थे, ठीक है ना, पिलर स्तूपास वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, राइट। उससे पहले मैं बता दूं कि एंशियंट टाइम में कैसे आर्किटेक्चर था और आर्ट्स थे, उसके ऊपर मैं वीडियो दो पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशियंट टाइम में हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान कैसे आर्ट एंड और कैसे आर्ट्स एंड स्कल्पचर्स उस समय मिले थे, और साथ ही साथ उसके बाद हमने मेजोलिथिक नियोलिथिक सब पीरियड्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय पेंटिंग्स कैसी थी, ठीक है ना, उस समय मुरल्स कैसे हुआ करते थे और कैसे दीवार पर रॉक पेंटिंग्स वगैरह। तो इसके अंदर देखिए, मौर्यन पेंटिंग के अंदर एक पैलेसेस पेंटिंग, यानी कि जो उनका महल होता था उन महल में भी पेंटिंग होता था, जो कि कहाँ से बिलोंग करता था, ईरानियन, जो ईरान का पेंटिंग था ना वहाँ से बिलोंग करता था, राइट। सबसे मेन इसमें पढ़ने वाली बात है पिलर्स के ऊपर। उससे पहले मैं बता दूं कि अशोका सॉरी मौर्यन एम्पायर के ऊपर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसे जाके वॉच कर लीजिए। उससे ये पता चलेगा कि किस पिलर पर क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिलर का। तो देखिए, पिलर जो कि हिंदी में स्तंभ कहते हैं, इसको पिलर क्यों बनाए जाते थे, इस पिलर्स के ऊपर देखिए क्या होता था। ये विक्ट्रीज वगैरह, बैटल के जितने भी विक्ट्रीज वगैरह होते थे, मौर्यन टाइम में किंग वगैरह जितना भी जीतते थे, विक्ट्री करते थे दूसरे रूलर के ऊपर, तो वो सब अपना मेंशन करवाते थे पिलर बनवा बनवा के अलग अलग जगह पर। जैसे कि वैशाली बिहार में भी एक पिलर है, ठीक है ना, सारनाथ पिलर है, मतलब बहुत जगहों पर जहाँ जहाँ पिलर है उन्होंने अपनी विक्ट्री वहाँ पर दर्ज कराया हुआ है। यूज़ टू प्रोपोगेट इम्पीरियल सरमन्स, देखिए सरमन्स वगैरह कुछ अपने वचन, उनको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो कुछ भी मतलब अपने हिसाब से उनको जो भी अच्छा लगता था वो उस सरमन्स वगैरह वचन्स वगैरह वो लोग वहाँ पर राइट करवाते थे, ठीक है ना। पिलर्स यूजुअली मेड ऑफ चुनार सैंड स्टोन, देखिए पिलर जो है कहाँ बनते थे, तो चुनार सैंड स्टोन यूपी, तो एक चुनार जगह है मुगल सराय, आपने नाम सुना होगा मुगल सराय और विंध्याचल, ठीक है ना। तो मुगल सराय जबकि अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, ठीक है ना, तो उन दोनों के बीच में एक रेलवे स्टेशन है चुनार, तो वहाँ चुनार सैंड स्टोन मिलता है, चुनार पत्थर मिलता है वहाँ पर, सैंड स्टोन मिलता है, एक पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी से वो पिलर बनाया करते थे। मोनोलिथ पीस ऑफ स्टोन और आयरन, देखिए मोनोलिथ पीस आयरन होता था। कैपिटल ऑफ द टॉप पिलर्स लोटस शेप और बेल, देखिए जो कैपिटल होता था पिलर का वो किस तरीके से होता था, लोटस शेप का होता था और बेल टाइप का होता था, वो कैसा होता था मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक अशोका पिलर है जो कि वैशाली बिहार में, आप सभी को पता है वैशाली बिहार में, तो इनका देखिए ये एक पिलर है। अब इस पिलर के ऊपर जो लोटस बना इसके बारे में हम बताते हैं। कैपिटल, ये हमारे देश का एम्बलम भी है, स्तंभ भी है, ठीक है ना, सत्यमेव जयते इसके ऊपर राइट किया हुआ। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका कैसा पिलर हुआ करता था ऊपर। तो देखिए ये पिलर का ऊपर का पार्ट है, ठीक है ना, उल्टा लोटस बना हुआ आप सभी को दिख रहा है, ये उल्टा कमल का फूल बना हुआ है, ठीक। यहाँ पर अशोका चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं, ठीक। ये चार यहाँ पर शेर हैं, कितने हैं, 4 लायंस हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इस एबस्कस को जो है, मतलब ये जो तीलियाँ हैं इसको क्या कहते हैं, इसको धर्म चक्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्रा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज धर्म चक्रा, इसे धर्म चक्रा कहते हैं, ठीक है ना। और सेकंड है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हॉर्स है, ठीक है ना, यहाँ पर हॉर्स है और इधर साइड बुल है, ठीक। एक तरफ बुल होता है और दूसरी तरफ हॉर्स होता है और साथ में एलिफेंट भी होता है दूसरी तरफ। तो आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे यहाँ पर कौन कौन से जानवर जानवर होते हैं अशोक स्तंभ पे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर बुल होता है, ठीक है ना, प्लस हॉर्स होता है, ठीक, उसके बाद एलिफेंट होता है। इन तीनों जानवर का नाम याद रखेंगे, कई बार ऑप्शन में आते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, बहुत क्वेश्चन ये देखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, इसमें देखिए इसको जो है हमारा देश का नेशनल एम्बलम भी बनाया गया है और इसके नीचे राइट भी किया गया, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है, यानी कि ट्रूथ ऑलवेज विक्ट्री। तो और इसे कहाँ से लिया गया है, देखिए सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया, तो आप लोग जान लीजिए जब हम ये एम्बलम पढ़ रहे हैं। तो सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया, तो मुंडका उपनिषद, कौन सा, मुंडका, ठीक है ना, मुंडका उपनिषद है, वहाँ से सत्यमेव जयते को हमने लिया है,
ये जो कोट है सत्यमेव जयते। और ये जो नेशनल एम्बलम है, जो हमारा ये राष्ट्रीय स्तंभ है, वो कहाँ से लिया गया है? तो अशोका का जो सारनाथ पिलर है, कहाँ का? सारनाथ, सारनाथ यूपी का, यूपी में बनारस के पास एरिया सारनाथ, तो सारनाथ पिलर से ये सत्यमेव जयते वाला जो, सॉरी, ये जो अशोका का जो एम्बलम है ये लिया गया है सारनाथ से, ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग सब ने जान लिया। नेक्स्ट आगे देखिए, अशोका के टाइम पे जो मौर्यन डायनेस्टी, उसके टाइम पे देखिए बहुत फेमस हुआ था स्तूपास, जो स्तूप्स होते हैं उनके बारे में ये हम जान लेते हैं कि स्तूपास होते क्या है। बरियल्स ऑफ मोट्स एंड प्रिवेंट ऑफ द बुद्धास रेलिक्स। देखिए जो बुद्धा हैं उनके जो बरियल्स और जो उनके मतलब शरीर के जो मतलब ऐसेस है, जो राख हैं, जला हुआ राख है उनके शरीर का, तो अलग अलग स्तूप में दे अपने इंडिया के अंदर भी 3-4 जगहों पे और इंडिया के बाहर भी अलग अलग जगहों पे उनका रेलिक्स जो है रखा गया, उनका जो शरीर का जो राख है वो रखा गया है, तो उसी को रखा गया, उसको ढक दिया जाता है, तो उसको स्तूप कहा गया है, स्तूप बोला गया है। ये वैदिक ट्रेडिशन है जो कि बुद्धिज़्म में दिया गया है। ड्यूरिंग अशोका स्तूप्स आर एट क्लाइमेक्स। देखिए बहुत बार क्वेश्चन हुआ कि अशोका के टाइम पे जो स्तूपास थे क्लाइमेक्स पे, तो वहाँ उस समय वो बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को जब फॉलो करने लगे तो वो बहुत ज़्यादा स्तूप्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाने लगे अशोका। अब स्तूप के बारे में हम चलिए देख लेते हैं, एक रियल इमेज देख लेते हैं, ये तो मैंने बनाया हुआ है, आप रियल इमेज। तो देखिए ये जो छत्र दिख रहा है ना, ये छाता सा, तो इसको छात्रा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? छात्रा, ठीक। और इसके ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये बुद्धा का धम्मा संघ रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर कोई है, उसको हम छाया दे रहे हैं, उसको हम बचा रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है ना? और उसके नीचे जो आपको दिख रहा होगा, ये छात्रास के नीचे जो डंडी दिख रहा है ना आपको, ये तो ये इसे कहते हैं यास्ति। क्या कहते हैं? यास्ति कहते हैं। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान दे दीजिए, क्योंकि ये जब यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में ये सब भी ऑप्शन में आते हैं कि स्तूप का जो स्तूपा से उसका कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से, तो इन सब चीज़ों का आप याद रहेगा तो आप लोग बता देंगे। और ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप का, तो ये हर्मिका है। क्या है? इसे हर्मिका कहते हैं। हर्मिका जिस तरीके से टेम्पल होता है उसी तरीके से इसमें भी पार्ट है। और ये डोम, इसे डोम कहते हैं, सभी को मालूम है कि जो गोलाकार है आधा होता है उसे डोम कहते हैं, या फिर इसे अंडा भी कहते हैं, ठीक। फिर अगेन जो है मेंधी, ये जो दिख रहा है ना आपको ये रेलिंग सा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेंधी। हमें डिटेल में नहीं जाना कि इसी तरीके से उन्होंने आर्किटेक्चर क्यों बनवाया, वो जब आप करेंगे मेंस वगैरह की तैयारी करेंगे तो उसमें जाएगा। और मैं यूपीएससी अभी एस्पिरेंट हूँ, तो अभी मेरे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रीलिम्स का मैं तैयारी करूँ अच्छे से। फिर देखिए यहाँ पर तोरण होता है, ये तोरण है। क्या है इसे? इसे तोरण कहते हैं। और इधर भी एक तोरण होता है, यहाँ पर इमेज में आ नहीं पाया है, तो ये तोरण, यहाँ पर एक तोरण होता है, एक ये भी पार्ट होता है डोम का, सॉरी ये स्तूपास का। और यहीं पर इसका जो होता है क्या कहते हैं गेट भी इसके अंदर से होता है, जहाँ से ऐसे बाहर निकला जा सकता है तोरण के जरिए, ठीक है ना? तो अब हम स्तूपास के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। हमने इमेज देख लिया और इसके ऊपर इसको हमने नॉमिनेट करके भी दिखा दिया कि कौन कौन सा जगह क्या क्या है, ठीक। देखिए जो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में एक सांची जगह है, वहाँ पर स्तूपा है बुद्धा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार मैप में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स वगैरह यूपीएससी बीपीएससी एमपीपीएससी सब में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है, ठीक है ना? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल एक पिलग्रिमेज बन गया है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। दूसरा यूपी का है, छोटा मोटा स्तूप है पिपरवा, एक जगह यूपी के अंदर वहाँ पर स्तूप है, तो ये जाना माना उतना नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए पेट्रोक्चर, देखिए गुफा के अंदर किस तरीके से उन्होंने आर्किटेक्चर किया है वो हम पहले हम एक इमेज देख लेते हैं, फिर इस तथ्य को भी पढ़ेंगे। तो देखिए एक ये बराबरा हिल्स का केव है, बराबरा हिल्स जो कि बिहार में आता है,
बराबरा हिल्स जो कि गया कहाँ पर आता है, ये एकदम एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछता है। तो नॉर्थ गया में ये हिल्स है, ये केव है, तो इसके ऊपर देखिए आर्किटेक्चर किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है, डोम शेप का बनाया हुआ है इन्होंने, और देखिए किस तरीके से इन्होंने इस तरीके से गेट बनाया हुआ है। ईरानियन ये किस कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये ईरानियन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये ईरान से बिलोंग करते हैं स्ट्रक्चर है, ठीक। एक तो एग्जांपल हो गया बराबरा हिल्स नॉर्थ गया का, दूसरा एग्जांपल है नागार्जुनी हिल्स, ठीक है ना, लिख देता हूँ यहाँ पर नाग अर्जुनी हिल्स, ठीक है ना, नागार्जुनी हिल्स केव, ये भी एग्जांपल माना जाता है कि मौर्यन टाइम का है, ठीक है ना। दूसरा है सुदामा केव्स, सुदामा हिल्स केव, ठीक। तो ये सब भी ऑप्शन में आ जाते हैं, आप इन सबको भी ध्यान रखेंगे कि मौर्यन के टाइम पे ही आर्किटेक्चर इन केव्स में हुई थी। अब बराबरा हिल्स और केव पेंटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कैसी पेंटिंग ये होती थी या स्ट्रक्चर होता था। देखिए तो केव आर्किटेक्चर एक्चुअली करते क्यों थे मौर्यन टाइम पे, तो मौर्यन टाइम जो है जैनिज्म और बुद्धिज़्म के फॉलोअर हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, केव कहीं पर भी केव होता था, गुफा होता था, उसे महल की तरफ बना देते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बुद्धिस्ट और जैनिज जो जैन के मॉन्क्स थे, जो वहाँ पर इनको पंडित आप कह लीजिए कि जो बुद्धिस्ट और जैन के जो गुरु थे वहाँ आके रहते थे, तो जहाँ पर बुद्धिस्ट और जैन के गुरु रहते थे उस जगह को क्या कहा जाता था, तो उस जगह को बिहारा कहा जाता था, ठीक है ना। तो बिहार के अंदर बराबरा हिल्स जो कि गया नॉर्थ में आता है, और नागार्जुनी जो कि ये भी बिहार में आता है, और सुदामा हिल्स केव वो भी बिहार में आता है। तो यहाँ पर मौर्यन आर्किटेक्चर आपको देखेगा इसके अंदर इन्होंने कट कट करके बिहारत बनाया, बिहारत यानी कि जहाँ पर जैन और बुद्धिस्ट मोंग आके रहते हैं कुछ महीने कुछ साल, तो मतलब तो उसको बिहारस कहा गया। तो इसलिए उन्होंने केव पेंटिंग सॉरी केव आर्किटेक्चर चरम सीमा पर उस समय गया था। और ये कैसी होती थी, ये हाईली पॉलिश्ड होती थी, एकदम चिकना होता सरफेस होता था इनका इंटीरियर वॉल्स वगैरह, और ये काफ़ी डेकोरेटिव होती, जैसे आपको इमेज में मैंने दिखाया उस तरीके से होती थी, एकदम सुंदर बहुत अच्छे से। तो इसके बाद हम दोस्तों कवर करने वाले पोस्ट मौर्यन आर्ट्स, जिसके अंदर साउथ द्रविड़ आर्ट्स वगैरह भी हम कवर करेंगे, ठीक है ना, नॉर्थ आर्ट्स भी करेंगे, मथुरा शैली भी करेंगे हम, ठीक है ना, सारे स्कूल्स वगैरह कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अवेलेबल होगा, और आई बटन पर क्लिक करके आर्ट्स के जो दो पार्ट्स मैं बता चुका हूँ वो आप वॉच कर लीजिए। धन्यवाद, आई होप कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे नए साल में।